एक अंकीय संख्याओं का घटाव भाग एक। आज हम बच्चों को एक अंकीय संख्याओं को घटाने का तरीका समझाएंगे। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुमने बाजार से जो चार लड्डू खरीदे हैं, उनमें से एक खा लो बेटा। ठीक है माँ। तो अब पिंकी के लिए कितने लड्डू बचे हैं? पिंकी के लिए 3 लड्डू बचे हैं, पर माँ मुझे तो अभी भी भूख लग रही है। क्या मैं एक और लड्डू खा लूँ? हाँ बेटा। अब पिंकी के लिए कितने लड्डू बचे हैं? पिंकी के लिए 2 लड्डू बचे हैं माँ। बहुत अच्छे छोटू, चलो अब बाकी के लड्डू पिंकी के साथ खाना। तो बच्चों, पहले छोटू के पास 4 लड्डू थे, फिर उसने 1 खा लिया, तो बचे 3 लड्डू। लेकिन फिर उसने 3 लड्डू में से 1 और लड्डू खा लिया, तो अब उसके पास बचे सिर्फ 2 लड्डू। इस तरह लड्डू की संख्या घटती गई। तो आपने देखा कैसे छोटू ने एक एक करके लड्डू खा लिए। अब हम बच्चों के साथ एक छोटा सा कार्य करेंगे। एक कटोरी में कुछ आलू या दाल के दाने रखिए, जैसे मैंने यहाँ रखे हैं। और याद रखिएगा कि उनकी संख्या 9 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों को एक एक करके वस्तु को बाहर निकालकर कटोरी में बचे हुए वस्तु की संख्या बताने के लिए कहिए। आइए एक उदाहरण देखते हैं। इस कटोरी में कितने आलू रखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर मैंने 1 आलू निकाला तो अब कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक और आलू निकालने पर बचेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 आलू। इस गतिविधि को बच्चों के साथ अन्य संख्याओं और अन्य वस्तुओं के साथ दोहराइए। और गतिविधि करते समय बच्चों की वीडियो लेकर हमें WhatsApp ग्रुप पर जरूर भेजिएगा।